अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आप अपवर्क पे एज अ ट्रांसलेटर वर्क करके किस तरह से माना 400 से $500 अर्न कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने मेरी अपवर्क की प्रोफाइल शो हो रही है, मैं अपवर्क पे टॉप रेटेड सेलर हूं और मेरा जो जॉब सक्सेस रेट है वो 100% है। इसके अलावा अपवर्क पे मैं उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन का वर्क करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपवर्क से $5,000+ अर्न कर चुका हूँ। अगर हम $5,000 को पाकिस्तानी रुपीज में देखें तो ये लगभग 14,25,000 रुपीज बनते हैं। इसके अलावा अपवर्क पे मैं 45 ट्रांसलेशन की जॉब कंप्लीट कर चुका हूं और लगभग मैं $5,600 अर्न कर चुका हूं। अगर आप भी ट्रांसलेशन का वर्क करना चाहते हैं, मतलब इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करके देना, उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देना, ये वर्क करना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली फॉर आपके लिए है। आज आपको ए टू जी कम्प्लीट इस वीडियो में अपवर्क के बारे में गाइड किया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा किस तरह से आप अपवर्क का प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से ट्रांसलेशन की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप उन जॉब को पकड़कर प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपवर्क से अपनी पेमेंट को विड्रॉ करवा सकते हैं। सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में सिखाई जाएगी। तो चलिए चलते हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर सीखते हैं किस तरह से आप अपवर्क पे ट्रांसलेशन का वर्क करके पैसा कमा सकते हैं। ये तो डिफरेंस अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसा कि ये देख सकते हैं, गूगल को मैंने ओपन किया है। गूगल में आपने अपवर्क टाइप करके इंटर पे प्रेस करना है। फर्स्ट वाला लिंक आ चुका है, आप फर्स्ट वाला लिंक पे प्रेस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अपवर्क वेबसाइट का हमारे सामने होम पेज शो हो चुका है। आज मैं आपको अपवर्क का अकाउंट क्रिएट करने से लेकर पैसे आपके जेब में आने तक सारा तरीका इसी वीडियो में सिखाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑलरेडी अपवर्क का कोर्स भी क्रिएट कर चुका हूं। उस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आती तो आप मेरा वो कोर्स देकर अपवर्क के बारे में सीख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अपवर्क पे मैं एज अ ट्रांसलेटर वर्क करता हूँ, मतलब उर्दू में मुझे पैराग्राफ दिया जाता है, उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देता हूँ। जस्ट यही काम मैं अपवर्क पे करता हूँ और मैं $5,000 आज तक अपवर्क से अर्न कर चुका हूँ। मैं आपको लोगों की यहाँ पे प्रोफाइल्स भी दिखाता हूँ। सिंपली अपवर्क के सर्च बार में आता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ उर्दू ट्रांसलेटर। जैसा कि ये देख सकते हैं डियर फ्रेंड, अपवर्क के सर्च बार में मैंने उर्दू ट्रांसलेटर सर्च किया तो हमारे सामने ये लोगों की प्रोफाइल शो हो चुकी हैं, जो जो लोग अपवर्क पे ट्रांसलेशन का वर्क करते हैं। अगर हम फर्स्ट वाली प्रोफाइल की बात करें तो ये देख सकते हैं, ये बंदा पिशावर से बिलोंग करता है जिसका नाम खालिद है और ये बंदा अपवर्क पे टॉप रेटेड प्लस सेलर है। जॉब सक्सेस 100% है और ये बंदा अपवर्क पे डाटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट और ट्रांसलेशन का वर्क करता है। अगर हम इसकी अर्निंग की बात करें तो ये बंदा $90,000+ अपवर्क से अर्न कर चुका है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड बंदा है, इसका नाम हुमना है जो कि लाहौर से बिलोंग करती है, ये भी अपवर्क पे उर्दू ट्रांसलेशन का वर्क करती है। ये $300+ अपवर्क से अर्न कर चुकी है, जैसा कि ये देख सकते हैं इसकी अर्निंग शो हो रही है। इस तरह अगर हम नीचे हैं तो यहाँ पे मरियम नवाज के नाम से ये लड़की शो हो रही है जो कि पाकिस्तानी है, ये उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेटर है और ये $10 पर आवर लेती है और $30,000+ अपवर्क से अर्न कर चुकी है जो कि टॉप रेटेड प्लस सेलर है। आज मैं आपको इस काम की अपवर्क पे प्रोफाइल क्रिएट करने का तरीका सिखाऊंगा। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से अपवर्क पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके ट्रांसलेशन का वर्क पकड़ सकते हैं। अपवर्क के होम पेज पे मैं आ चुका हूँ। इसके बाद आपने टॉप पे जो ये साइन अप लिखा, आप साइन अप पे प्रेस करेंगे। डियर फ्रेंड, मैंने साइन अप पे प्रेस किया तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन शो हो चुकी हैं। यहाँ पे लिखा आई एम अ क्लाइंट, इसके बाद यहाँ पे लिखा आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे प्रेस करना है अप्लाई एज अ फ्रीलांसर। दोस्तों, अप्लाई एज अ फ्रीलांसर पे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे ये फॉर्म शो हो चुका है। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, तो सिंपली यहाँ पे मैं काशिफ टाइप कर देता हूँ, लास्ट नेम में गोल्ड टाइप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है, मैंने अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड टाइप करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड भी टाइप कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर दिया है। इसके बाद नीचे आपने आ जाना है, यहाँ से आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। मेरा कंट्री पाकिस्तान है तो सिंपली ऑलरेडी डिफॉल्ट यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट है। इसके बाद आपने इस वाले ऑप्शन को चेक करना है और आपने क्रिएट माई अकाउंट पे प्रेस करना है। दोस्तों, क्रिएट माई अकाउंट पे मैंने प्रेस किया तो हमने जो ईमेल दिया उस पर वेरिफिकेशन मेल गई है, आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। सिंपली मैं उसी ईमेल को ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि ये देख सकते हैं, मैंने मेल को ओपन किया तो अपवर्क के नाम से मुझे मेल आई हुई है, इस मेल को मैं ओपन कर लेता हूँ। मेल को मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ये कुछ है वेरीफाई ईमेल, आपने यहाँ पे प्रेस करना है। दोस्तों, वेरीफाई ईमेल पे मैंने प्रेस किया तो जैसा कि ये देख सकते हैं, ये कुछ है कंग्रेचुलेशंस, योर अकाउंट इज वेरीफाइड। हमने सक्सेसफुली अपवर्क का अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब हम अपने अकाउंट की सेटिंग करने जा रहे हैं। इसके बाद आपने नीचे देना, ये कुछ है गेट स्टार्टेड, आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। दोस्तों, गेट स्टार्टेड पे मैंने प्रेस किया तो यहाँ से आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई एम एन एक्सपर्ट। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे प्रेस करना है। दोस्तों, नेक्स्ट पे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे मुझे चार ऑप्शन शो हो चुकी हैं। तो यहाँ से आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, टू मेक मनी ऑन दी साइड, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, मैंने नेक्स्ट पे प्रेस किया तो मुझे मजीद तीन ऑप्शन शो हो चुकी हैं। सिंपली आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट एंड क्रिएट प्रोफाइल पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, मैंने क्रिएट प्रोफाइल पे प्रेस किया तो हमारे सामने ये तीन ऑप्शन शो हो चुकी हैं। अब हम अपनी अपवर्क की प्रोफाइल कंप्लीट करने जा रहे हैं।
फर्स्ट लिखा हुआ है इम्पोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन। अगर आपने लिंक्डइन पे अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, जो ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, आपने लिंक्डइन पे जो आपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी है वो ऑटोमेटिकली आप अपवर्क अकाउंट पे इन्फॉर्मेशन सेट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने रिज्यूमे क्रिएट किया हुआ, मतलब सीवी क्रिएट की हुई है, तो आप जो ही अपनी सीवी अपलोड करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन पुट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप मैनुअली पुट करना चाहते हैं तो मैनुअली भी पुट कर सकते हैं। सिंपली मैं फिट आउट मैनुअली पे प्रेस करता हूँ। दोस्तों मैंने फिट आउट मैनुअली पे प्रेस किया तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पूछ रहा है योर प्रोफेशनल रोल। सिंपली यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ उर्दू इंग्लिश पंजाबी ट्रांसलेटर, ठीक है भी। इसके बाद नेक्स्ट पे आपने प्रेस करना है। डियर फ्रेंड मैं नेक्स्ट पे प्रेस किया तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है, आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। सिंपली मैं प्लस वाले आइकन पे प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना टाइटल टाइप करता हूँ वर्क एज ट्रांसलेटर। इस पर कंपनी का आपने नेम टाइप करना है, एज एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अल्फा कंपनी, ठीक है भी। इसके बाद लोकेशन आपने टाइप करनी है, लोकेशन में मैं पाकिस्तान टाइप कर देता हूँ। अगर आप करंटली वर्क कर रहे हैं तो आपने इस वाले ऑप्शन को चेक करना है, अदरवाइज आप यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस की डेट टाइप करेंगे। तो सेव पे प्रेस करता हूँ। डियर फ्रेंड सेव पे प्रेस किया तो एक एक्सपीरियंस हमने ऐड कर लिया है। इसके अलावा अगर आप मजीद और एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हो, आप प्लस वाले आइकन पे प्रेस करके और भी एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। सिंपली मैं अभी फिलहाल और एक्सपीरियंस ऐड नहीं करना चाह रहा, तो सिंपली मैं नेक्स्ट पे प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट पे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे ये पूछ रहा है भी अपनी एजुकेशन ऐड करो, प्लस वाले आइकन पे प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन टाइप करनी है, भी किस स्कूल किस यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। डिग्री में एमसीएस टाइप करता हूँ। इसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी है कंप्यूटर साइंस टाइप करता हूँ। इसके बाद आपने ईयर सेलेक्ट करना है, किस साल आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया है। इसके बाद आपने सेव पे प्रेस करना है। दोस्तों मैंने एजुकेशन ऐड कर दिया है, इसके बाद आपने नेक्स्ट पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड मैं नेक्स्ट पे प्रेस किया तो यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। सिंपली मैं ऐड लैंग्वेज पे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं इंग्लिश टाइप करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने उर्दू टाइप कर दिया है। इसके बाद आपने उर्दू लैंग्वेज का लेवल सेट करना है, अभी मैं नेटिव लैंग्वेज है मेरी। इसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश का लेवल भी आपने सेट करना है, ये नेटिव है, ठीक है भाई। इस तरह आपने तीन चार लैंग्वेजेस जिसमें आप ट्रांसलेशन करके देते हैं, आपने वही लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड कर देनी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड नेक्स्ट पे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे स्किल्स के बारे में पूछ रहा है। सिंपली यहाँ पे मैं इंग्लिश उर्दू पंजाबी ये स्किल्स ऐड कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे प्रेस करता हूँ। डियर फ्रेंड मैंने नेक्स्ट पे प्रेस किया तो यहाँ पे ओवरव्यू के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे आपने अपने अपवर्क प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लेकर रखी हुई है, सिंपली इसको मैं कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे आकर पेस्ट कर देता हूँ। इतना काम करने के बाद आपने नेक्स्ट पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड मैंने नेक्स्ट पे प्रेस किया तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये कह रहा है भी आप अपनी सर्विसेज ऐड करो। सिंपली यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ, एक सर्विस हमारी ऐड हो चुकी है। इस तरह आप जितनी सर्विसेज ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद आपने दोबारा नेक्स्ट पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड मैंने नेक्स्ट पे प्रेस किया तो यहाँ पे ये रेट के बारे में पूछ रहा है भी एक घंटे का आप कितना पैसे लेंगे। हम न्यू हैं तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एक घंटे के मैं $5 लूंगा, ठीक है भी। इसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड मैंने नेक्स्ट पे प्रेस किया, नेक्स्ट पे प्रेस किया तो ये देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल यहाँ पे शो हो चुकी है। आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, इसलिए आपने अपलोड फोटो पे प्रेस करना है। इसके बाद आपने दोबारा अपलोड पे प्रेस करना है, आपके कंप्यूटर की लोकेशन शो हो जाएगी। आपने अपने कंप्यूटर से प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है, जैसा कि ये देख सकते हैं। डियर फ्रेंड मैंने प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपने अटैच फोटो पे प्रेस करना है, जैसा कि ये देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल पिक्चर ऐड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना एड्रेस टाइप करना है, पेमेंट एड्रेस होता है, पेमेंट मेथड के बारे में आपको आगे जाकर बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पे फोन नंबर है, फोन नंबर आपने यहाँ पे टाइप करना है। सिंपली यहाँ पे मैं अपना फोन नंबर टाइप कर देता हूँ, फोन नंबर नीचे टाइप कर दिया। इसके बाद आपने चेक योर प्रोफाइल पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड मैंने चेक योर प्रोफाइल पे प्रेस किया तो हमारी अपवर्क की प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, जैसा कि ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी अपवर्क की प्रोफाइल शो हो रही है, ठीक है भाई। अभी हमारा अकाउंट सक्सेसफुली कम्प्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे ये लिखा है सबमिट प्रोफाइल, तो सिंपली हम सबमिट प्रोफाइल पे प्रेस करते हैं। जी तो डियर फ्रेंड मैंने सबमिट प्रोफाइल पे प्रेस किया तो हमारी प्रोफाइल अपवर्क वालों को सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और हमारा अकाउंट भी अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे लिखा है कंग्रेचुलेशन यू आर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। इसके बाद व्यू माई प्रोफाइल पे आपने प्रेस करना है। डियर फ्रेंड व्यू माई प्रोफाइल पे मैंने प्रेस किया तो हमारी अपवर्क की प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, जैसा कि ये देख सकते हैं। डियर फ्रेंड ये मेरी प्रोफाइल इस तरह से शो हो रही है, उर्दू इंग्लिश पंजाबी ट्रांसलेशन मेरा ये टाइटल शो हो रहा है, $5 पर आवर लूंगा। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन शो हो रही है जो मैंने ऐड की थी। इसके अलावा अगर हम लेफ्ट साइड पे हैं तो यहाँ पे लैंग्वेजेस शो हो रही हैं, एजुकेशन शो हो रही है, ठीक है भी, स्किल्स शो हो रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपने किस तरह से जॉब पे अप्लाई करना है और किस तरह से आपने जॉब को पकड़ना है। सिंपली आपने सर्च बार में आ जाना है, यहाँ पे आपने टाइप करना है ट्रांसलेटर, जैसा कि ये देख सकते हैं दोस्तों अपवर्क के सर्च बार में मैंने ट्रांसलेटर सर्च किया है।
तो हमारे सामने ट्रांसलेशन के बहुत सारी जॉब शो हो जाएंगी। जैसा कि ये देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, हमारे सामने ये ट्रांसलेशन की जॉब शो हो चुकी है। यहाँ पे मैंने सर्च किया उर्दू ट्रांसलेटर, जैसा कि ये देख सकते हैं उर्दू से रिलेटेड हमें यहाँ पे ट्रांसलेशन की जॉब शो हो जाएंगी। यहाँ पे ये देख सकते हैं उर्दू ट्रांसलेशन की जॉब शो हो रही है। ये भी ये देख सकते हैं इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर। सिंपली इस जॉब को हम ओपन कर लेते हैं, हम इस पे प्रपोजल सेंड करते हैं। ठीक है, अभी इस जॉब को मैंने ओपन कर लिया है। कुछ इस तरह से हमारे सामने ये जॉब शो हो चुकी है। इंग्लिश टू उर्दू में आपने ट्रांसलेट करके देना है। आई होप आपको गूगल ट्रांसलेटर का यूज आता होगा। अगर हम इसके आवरी रेट की बात करें तो $10 से $20 आपको 1 घंटे के दिए जाएंगे। इंट्री लेवल मांग रहा है। ठीक है, अभी जो प्रोजेक्ट की लेंथ है वो 1 से 3 मंथ की प्रोजेक्ट की लेंथ है। ठीक है, अभी अगर हम मजीद नीचे हैं तो कुछ इस तरह से हमें ये चीज़ शो हो रही है। सिंपली आपने यहाँ पे चेक करना है, अगर क्लाइंट ने इंटरव्यू लिया हुआ हो तो आपने उस जॉब पे अप्लाई नहीं करना, वो जॉब आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो जॉब ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे क्लाइंट ने एक बंदे का इंटरव्यू लिया हुआ है तो इस जॉब पे, लिहाजा इस जॉब पे आपने अप्लाई नहीं करना, ऐसे आपकी कनेक्ट ज़ाय हो जाएंगी। हम उस जॉब पे अप्लाई करेंगे जिस पे क्लाइंट ने इंटरव्यू नहीं लिया हुआ होगा। ठीक है, अभी इस जॉब को मैं ओपन करता हूँ, देखते हैं इस जॉब पे क्लाइंट ने इंटरव्यू लिया हुआ नहीं लिया हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पे है जनरल ट्रांसलेटर सर्विसेज। अगर हम थोड़ा सा नीचे हैं तो यहाँ पे भी ये देख सकते हैं क्लाइंट ने इंटरव्यू लिया हुआ है। तो आपने लेटेस्ट जॉब यहाँ पे फाइंड करनी है जिस पे क्लाइंट ने इंटरव्यू ना लिया हुआ हो। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी सी आपने स्ट्रगल करनी है, आपने वो जॉब यहाँ पे फाइंड करनी है जिस पे क्लाइंट ने इंटरव्यू ना लिया हुआ। जैसा कि ये देख सकते हैं इस जॉब पे क्लाइंट ने इंटरव्यू नहीं लिया हुआ, 00 लिखा हुआ शो रहा है। सिंपली इस पे आपने अप्लाई करना है। अप्लाई नो पे मैं प्रेस करता हूँ। जैसा कि ये देख सकते हैं दोस्तों, अप्लाई नो पे मैंने प्रेस किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से ये चीज़ शो हो चुकी है। आपने इस जॉब पे प्रपोजल सेंड करना है। सिंपली मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे आपने अपना आवरली रेट बताना है। अभी 1 घंटे का आप कितना पैसे लेंगे? अभी $5 लूंगा। इसके बाद आपने यहाँ पे कवर लेटर टाइप करना है। कवर लेटर प्रपोजल को कहते हैं। सिंपली मैंने ऑलरेडी लेकर रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आकर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई ट्रांसलेशन का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ तो आप उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। इसके बाद आपने नीचे जाना है, सिंपली आपने सेंड पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, मैंने सेंड पे प्रेस किया तो इस तरह से हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स शो हो चुका है। आपने इसको एग्री करना है। इसके बाद आपने सबमिट पे प्रेस करना है। डियर फ्रेंड, मैंने सबमिट पे प्रेस किया तो इस जॉब पे हमने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है। इस तरह आपने डेली 3 से 4 जॉब पे अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द यहाँ से वर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं टॉप पे लिखा है, योर प्रपोजल वाज सबमिटेड। हमने सक्सेसफुली इस जॉब पे प्रपोजल सबमिट कर दिया है। ठीक है, अभी अब हम बात करते हैं आपने किस तरह से पेमेंट मेथड सेट करना है और किस तरह से आपने पेमेंट को विदड्रॉ करवाना है। बहुत ही आसान सा तरीका है। सिंपली आपने ऐसा करना है, आपने अपनी प्रोफाइल में लोगो पे प्रेस करना है। नीचे ये सेटिंग लिखा है और आप सेटिंग पे प्रेस करेंगे। जैसा कि ये देख सकते हैं डियर फ्रेंड, मैंने सेटिंग पे प्रेस किया तो थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। इस तरह से हमारे अकाउंट की सेटिंग ओपन हो चुकी है। इसके बाद आपने सिंपली ऐसा करना है, लेफ्ट साइड पे जाना है। यहाँ पे ये लिखा है गेट पेड, आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। डियर फ्रेंड, मैंने गेट पेड पे प्रेस किया तो हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप शो हो जाएगा। जैसा कि ये देख सकते हैं हमारे सामने पेमेंट मेथड शो हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है भी, आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करो। सिंपली यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ से मैं कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं अपना नेम टाइप कर देता हूँ और आपने इन दो ऑप्शन को चेक करना और सेव पे प्रेस कर देना है। डियर फ्रेंड, जो भी आप सेव पे प्रेस करेंगे आपके सामने पेमेंट मेथड शो हो जाएंगे। जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ रहा है ऐड मेथड, आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। जो भी आप ऐड मेथड पे प्रेस करेंगे या आप अपनी पेमेंट को लोकल बैंक अकाउंट में विदड्रॉ करवा सकते हैं। इसके अलावा पायोनियर में विदड्रॉ करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास चेक बुक है तो आप अपने चेक बुक पे भी पेमेंट को ले सकते हैं। सिंपली मैं लोकल बैंक में अपनी पेमेंट को विदड्रॉ करवाना चाहता हूँ तो ये वाला ऑप्शन मैं सेट कर लेता हूँ। इसके बाद सेटअप पे प्रेस करता हूँ। डियर फ्रेंड, मैंने सेटअप पे प्रेस किया तो आपसे बैंक की डिटेल मांगेगा। आपने अपने बैंक की डिटेल टाइप कर दिया है और आपका पेमेंट मेथड सेट हो जाएगा। जैसा कि ये देख सकते हैं बैंक का स्विफ्ट कोड आपने यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे, आपसे बैंक का अकाउंट नंबर मांगेगा। आपने अपनी बैंक का अकाउंट नंबर देना है, आपका पेमेंट मेथड अपवर्क पे सेट हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से अपवर्क पे वर्क किया जाता है। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।